Hello everyone, I hope all of you are doing good. Namisha Garg, welcome to the class, Namisha ji. I hope all of you are doing good. तो आज ये हमारा तीसरा क्लास है. आज सुबह की हम तीन क्लासेस कर रहे चुके हैं, एक बजे, सवा एक बजे, मतलब सवा दो बजे, एंड नाउ दिस इज द थर्ड क्लास. पहला क्लास हमारा था कि हिंदुस्तान में मॉड वैट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है. उसके पीछे मतलब मॉड वैट क्या चीज थी. मॉड वैट एक्साइज टैक्सेशन रिफॉर्म था, ठीक है ना. एक्साइज में किया गया रिफॉर्म था मॉड वैट, ठीक है. उसके बाद में हमने सैन वैट किया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. मतलब ये भी क्या चीज थी, मॉड वैट की तरह ये भी एक एक्साइज में रिफॉर्म था. ये यूनियन गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स थे. तो मॉड वैट एंड सैन वैट क्या थे, ये दोनों रिफॉर्म्स थे, यूनियन गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स थे ये दोनों, ठीक है ना. अभी हमने एक्सप्लेनेशन स्लाइड का कलर चेंज कर दिया. आई थिंक दिस इज अ गुड कलर. ये क्या ब्राउन कलर ठीक है ये वाला, मुझे लग रहा था वाइट कलर बहुत सारे शायद लोगों को मतलब आंखों को चुभन देता है, तो इसी के चक्कर में ये वाला कर दिया. तो अभी हम चीजों को बेसिकली समझने का कोशिश करेंगे. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. इसको थोड़ा सा क्वालिटी को बड़ा बढ़िया कर लें. लेट्स मेक इट 480p, दैट विल बी बेटर. चलिए देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो टैक्स रिफॉर्म्स आए हैं, जिस तरह से एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन, हम कहते हैं ना ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई. तो 1960s में ये सारी चीजें स्टार्ट हुई. उसके बाद अगर हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करें तो मॉड वैट मतलब आप कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू द टैक्स रिफॉर्म्स. मॉड वैट इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रीन रेवोल्यूशन. मॉड वैट मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स कब आया ये वाला, एक टेबल बना लेते हैं छोटा सा, मतलब दैट विल बी बेटर. अगर आपने चीजों को समझना है तो मैं कहूंगा टेबल जरूर बना लीजिए. हम पॉलिटी में आजकल बहुत सारे टेबल्स बना रहे हैं, ठीक है ना. तो टैक्स रिफॉर्म्स में अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स में सबसे पहले हमारे पास क्या आया है, मॉड वैट. मॉड वैट कब आया, 1986 में. मॉड वैट वो द टैक्स रिफॉर्म रिलेटेड टू व्हाट, एक्साइज को लेके था. इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या था, इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल वही था वैल्यू एडिशन वॉज द प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल इंडिया के टैक्सेशन रिफॉर्म सिस्टम की जड़ है. इट इज द कोर. ये कोर है हमारे टैक्सेशन रिफॉर्म का, आप समझ लीजिए. हर चीज में हमने ये प्रिंसिपल को लगा दिया, मॉड वैट को. फिर हम लेके आए सैन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स. ये कब आया, ये 2000 में आया है. एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू व्हाट, एक्साइज. ये भी एक्साइज टैक्सेशन रिफॉर्म है. ये भी यूनियन गवर्नमेंट पे आया है, ये पहले बता दूं मैं आपको. मॉड वैट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, क्योंकि एक्साइज टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है. सैन वैट भी यूनियन गवर्नमेंट लेके आई, सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है ना. ये भी कौन लगाता है, कार्तिक अग्रवाल वेलकम टू द क्लास. तो ये भी कौन लगाता है, ये भी यूनियन गवर्नमेंट लगाती है. इसका भी अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या था, वैल्यू एडिशन. अगर ये सब लोगों को समझ आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए. एंड इस क्लास को समझने के लिए आपको पहली दो क्लासेस जरूर करनी चाहिए कि हम मॉड वैट क्यों लेके आए, सैन वैट क्यों लेके आए, ठीक है. उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी. अब हम देखो यूनियन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर 2000 तक बहुत बड़े रिफॉर्म्स आ चुके थे टैक्स में, ठीक है ना. लोगों को परेशानी नहीं होती थी, चीजें थोड़ी सी सस्ती होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, टिल 2000. 2000 के बाद में मतलब हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोला कि आप भी मतलब टैक्स में रिफॉर्म लेके आइए अपने. देखो एक्साइज ड्यूटी तो कौन लगाता है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स ये कौन लगाता है, ये यूनियन लगाता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्साइज जो लगाता है, एक्साइज ड्यूटी इज अंडर द यूनियन डोमेन. ये यूनियन लिस्ट में है एक्साइज ड्यूटी लगाना. क्लैरिटी हो गया. आज की डेट में तो ये खत्म हो चुका है जीएसटी आने के बाद में, 2017 आने के बाद में ये सारी चीजें सिस्टम पर. मॉड वैट तो खत्म हो ही गया है, मॉड वैट के बाद हमारे पास सैन वैट आ गया था. तो अगर हम स्टेट लिस्ट को देखते हैं, किसको देखते हैं, अगर हम स्टेट लिस्ट को देखते हैं तो स्टेट लिस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है, दैट इज सेल्स टैक्स. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आप कोई भी चीज खरीदने जाएंगे ना, उसके ऊपर एक सेल टैक्स लगता था पहले, आज की डेट में नहीं लगता। आज की डेट में अगर आप जाएंगे कोई भी चीज खरीदने तो उसमें जीएसटी लगता है, और वो जीएसटी क्या है वो कल करेंगे हम, कल क्लास आएगी एक। हाँ, एक अनअकैडमी पे कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आ रहा है, वो जरूर देख लीजिएगा। मतलब अनअकैडमी पे कल एक क्लास आ रहा है, मतलब आई थिंक द टाइम इज 9:30 PM, 9:30 बजे क्लास है कल, ये वाला 30th को, एक घंटे का क्लास है ये कल। इसमें हम जीएसटी का पूरा चीरफाड़ करेंगे, मतलब उसमें ये पुरानी चीजें भी डिस्कस करेंगे, मॉड वैट, सैन वैट, वैट। पर एक घंटे की क्लास में आपको पूरी इंटेंस क्लैरिटी हो जाएगी इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम क्या चीज है, क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रल लेवल के ऊपर ये वाले टैक्स रिफॉर्म्स आए, मॉड वैट एंड सैन वैट। तो स्टेट को भी बोला कि आप भी अपने टैक्स को बेसिकली थोड़ा सा रिफॉर्म लेके आइए, क्योंकि स्टेट लेवल के ऊपर क्या हो रहा था, स्टेट लेवल में भी कैस्केडिंग इंपैक्ट था, कैस्केडिंग इंपैक्ट। ये हिंदुस्तान के टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बड़ी बीमारी रही आज तक की, कैस्केडिंग इंपैक्ट ऑफ टैक्स, कैस्केडिंग इंपैक्ट। मतलब कैस्केडिंग इंपैक्ट क्या है, पुराना जो टैक्स दिया है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कैसे, जैसे प्रोड्यूसर है, मैं यहां पे चीजें लिख रहा हूं, प्रोड्यूसर है एक, एक होलसेलर है, होलसेलर है, होलसेलर है, और एक आपके पास है रिटेलर, एक है रिटेलर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोड्यूसर है, ठीक है ना। देखिए जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, प्रोड्यूसर ने कोई भी चीज प्रोड्यूस करी, अब प्रोड्यूसर से मतलब वो चीज खरीदने के लिए कौन आ रहा है, होलसेलर आ रहा है वो चीज खरीदने के लिए। अगर होलसेलर उससे चीज खरीदने के लिए आ रहा है तो मतलब लेट अस सपोज प्रोड्यूसर से उसने 100 रुपए की चीज ली, उसके ऊपर प्लस क्या लगता था, सेल्स टैक्स लग जाता था, 100 रुपए की चीज के ऊपर सेल्स टैक्स लग जाता था, और वो चीज, वो आइटम कितने का हो जाता था, लेट अस सपोज वो 110 रुपए का हो जाता था। रिटेलर क्या करता था, रिटेलर को वो चीज 110 रुपए की पड़ी है, अगर रिटेलर से कोई आदमी खरीदने आता था चीज, ठीक है ना, लेट अस सपोज उस आदमी का नाम है अरुण, लेट अस सपोज अरुण खरीदने आ गया रिटेलर से, ठीक है ना, किससे आ गया, आर्चीज गैलरी से आ गया, आर्चीज गैलरी क्या है, वो रिटेलर है, ठीक है ना, वहां से कार्ड खरीदने के लिए आ गया, फरवरी का महीना चल रहा है तो कार्ड खरीदेगा वो, समझ गए आप। हाँ, अब वो अगर कार्ड खरीदने आ गया है तो उस कार्ड के, वो कार्ड का कॉस्ट क्या है, देख लो, वो कार्ड का रिटेलर को 110 रुपए का पड़ा था, इसने इतने होलसेलर से बाय करा है, होलसेलर ने प्रोड्यूसर से बाय करा है, अब अरुण इससे बाय करेगा तो वो इसको कितने का पड़ता था, ठीक है ना। अब वो रियलिटी में तो अगर देखा जाए कोई भी वैल्यू एडिशन ये यहाँ पे नहीं हुआ है, वैल्यू एडिशन कोई भी यहाँ पे नहीं हुई है, होलसेलर ने, लेट अस सपोज होलसेलर का 100 रुपए का था वो वाला, कितने का था, 100 रुपीज का पड़ा था होलसेलर को, प्रोड्यूसर को वो चीज पड़ी थी 80 रुपए की, 20 रुपए का वैल्यू ऐड कर दिया, मतलब प्रोड्यूसर ने सोचा कि मुझे 80 रुपए की चीज पड़ी है, मैं 20 रुपए प्रॉफिट कमा लेता हूं, तो 100 रुपए की होलसेलर को दे दी। होलसेलर ने आगे सोचा कि मैं रिटेलर को सेल कर देता हूं, मुझे 110 रुपए की पड़ी है, मैंने सेल, मतलब सेल टैक्स तो लग ही रहा है यहां पे, ठीक है ना, प्लस अपना प्रॉफिट भी वो ऐड कर रहा था, अपना प्रॉफिट भी वो ऐड कर रहा था, प्लस वो सेल टैक्स भी कर रहा था, लेट अस सपोज उसका प्रॉफिट था यहां पे 50 रुपीज, तो 150 रुपीज ये वैल्यू एडिशन है। इस चीज को हम बेसिकली कहते हैं वैल्यू एडिशन। जब आप किसी भी चीज को खरीद के किसी को चीज सेल कर रहे हैं और उसमें आप अपना प्रॉफिट रख रहे हैं, वो प्रॉफिट को बेसिकली हम क्या कहते हैं, दैट थिंग इज नोन एज वैल्यू एडिशन। वो आपने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया है, तो जितने की आप चीज बेचेंगे उसके ऊपर आपको क्या लगेगा, सेल्स टैक्स आपको लगा के आगे चीज बेचनी पड़ती थी। कहने का क्या मतलब है, अगर इसको हम बिल्कुल इजी भाषा में समझने का कोशिश करें, तो जिस तरह से एक्साइज में चीज हो रही थी, एक्साइज में हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहा जा रहा था, सेम चीज यहां पे भी एप्लीकेबल हो रही थी। मतलब ये देख लीजिए, एक्साइज में भी हम टैक्स के ऊपर टैक्स लगा रहे थे, यहां पे सेल्स टैक्स के ऊपर भी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था। सो दिस वॉज समथिंग दैट वॉज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। तो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला कि आप सेल्स टैक्स का ये जो सिस्टम है ना, इसको चेंज कर दीजिए,
सेल्स टैक्स के सिस्टम को चेंज करके आप क्या चीज इंट्रोड्यूस कर दीजिए, मैं इसको मिटाने लगा हूं, आप सेल्स टैक्स के सिस्टम को बेसिकली चेंज करके आप लेके आइए वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स लेके आइए, ठीक है ना। नो व्हाट इट मींस, इसका मतलब है जो पुराना आइटम है जिसके ऊपर ऑलरेडी आप टैक्स पे कर चुके हैं वो आप दोबारा ना पे करें, मतलब डबल डबल टैक्स ना लगा दें आप, कैस्केडिंग को बेसिकली खत्म कर दीजिए आप। किस चीज को खत्म कर दीजिए? कैस्केडिंग को खत्म कर दीजिए। आपने जो वैल्यू ऐड करी है, वैल्यू ऐड करी है, आप केवल उसके ऊपर ही टैक्स लगाएं, ठीक है ना। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो वैल्यू एडेड टैक्स में आप सिर्फ उसी वैल्यू को टैक्स करें जो आपने ऐड करी है, बिकॉज पुरानी चीज के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। हाँ, मतलब दोबारा दोबारा डबल टैक्सेशन मत करिए आप, दोबारा दोबारा टैक्स मत लगाइए। तो वैट का सिस्टम, इट वाज अ वेरी वेरी बिग रिफॉर्म। ये कब आया है? ये 2005 में आ गया है। मैं इसको आपको एक बहुत अच्छा, मतलब हमने एक चार्ट बनाया है उसके थ्रू आपको बेसिकली, ठीक है ना। नाउ दिस इज द डिफरेंस, ये देख लीजिए वैट एंड में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए, वैट एंड सेन वैट में क्या क्या डिफरेंस है। मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ ब्लैक। वैल्यू एडेड टैक्स कहाँ पे लगा? स्टेट्स के ऊपर लगा। ये किसके, कौन से टैक्स का रिफॉर्म था? ये सेल टैक्स का रिफॉर्म था। So VAT was a sale tax reform and sen VAT was which tax reform? It was a excise tax reform. ये union government का reform था, ये state में taxation को basically reform करा गया, ये वहां का basically reform है, ठीक है। I think ये clarity हो गया आपको, ठीक है। तो underlying principle दोनों का same ही है, underlying principle सिर्फ वही है, जो आप वैल्यू ऐड करेंगे, जो आप वैल्यू ऐड करेंगे उसी के ऊपर बेसिकली टैक्स लगेगा। आप पुरानी टैक्स के ऊपर दोबारा से आप टैक्स बेसिकली नहीं लगा सकते। तो ये 2005 में आ गया, ठीक है ना। तो अब तक क्या हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी करी? अब तक हमने तीन टैक्स के रिफॉर्म्स को स्टडी कर लिया है, तीनों का अंडरलाइन प्रिंसिपल वही है, वैल्यू एडिशन। तीनों का अंडरलाइन प्रिंसिपल वैल्यू एडिशन ही है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा टैक्स सिस्टम आया? मॉड वैट आया, फिर हमारे पास सेन वैट आया, फिर हमारे पास कौन सा आया? फिर हमारे पास वैट आ गया। वैट के बाद अगला हम जो डिस्कस करेंगे वो जीएसटी है। जीएसटी सबसे बड़ा, मतलब ये रिफॉर्म है। मैं एक चीज और आपको, मतलब इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, वैट के बारे में। वैट जब आया ना 2005 में, जब वैट को लाया गया 2005 में, उस टाइम पे, जब 2005 में वैट आया, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम आया 2005 में, उस टाइम पे मतलब एक स्टेट में, लेट अस सपोज पंजाब है स्टेट, लेट अस सपोज पंजाब है, पंजाब में हर आइटम के ऊपर एक अलग सेल टैक्स था, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी लंबी लिस्ट थी, स्लैब वॉज ह्यूज, इट वॉज अ लॉन्ग स्लैब। कि अगर आपने आटा बाय करना है उसके ऊपर इतना सेल टैक्स है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करनी है उसके ऊपर इतना इतना सेल टैक्स है, अगर आपने रेडियो बाय करना है ये टैक्स है, अगर आपने दवाई करनी है तो इतना सेल टैक्स है, अगर आपने रिमोट खरीदना है उसके ऊपर इतना सेल टैक्स है, लैपटॉप करना है इतना सेल टैक्स है। हर आइटम के ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स था ये वाला सिस्टम, मतलब वैट से पहले। एक तो कैस्केडिंग इम्पैक्ट था बहुत बड़ा, और एक इतनी सारी टैक्स की स्लैब्स थी, मतलब पहले आप ये कह सकते हैं इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट था ये सारा चीजें, मतलब सेल टैक्स का जो रेट था। और एक चीज और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, हर स्टेट में, क्योंकि ये जो सेल टैक्स का सेल टैक्स रेट है ये हर स्टेट में डिफरेंट था पहले, पता है आपको। अगर आपने लेट अस सपोज बाइक खरीदना है और आपने बाइक हरियाणा से खरीदना है, हरियाणा में जो सेल टैक्स था वो अलग था, जो पंजाब में बाइक के ऊपर सेल टैक्स लग रहा है वो अलग है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर आप पहले मतलब डोसा खाते थे कहीं पे भी, ठीक है, लेट अस सपोज यू आर ईटिंग डोसा इन पंजाब, तो वहां पे एक अलग आपको
रेट के ऊपर टैक्स लगता था, हरियाणा में एक अलग रेट के ऊपर टैक्स लगता था। ये सारी प्रॉब्लम्स को बेसिकली खत्म कर दिया किसने, जीएसटी ने। आज की डेट में अगर आप डोसा खा रहे हैं कि कहीं पे भी खा रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में, आपको सेम टैक्स देना पड़ेगा। हर कमोडिटी के ऊपर सेम टैक्स आ गया जीएसटी की वजह से। जीएसटी से पहले तो बहुत सारी कैटेगरीज थी, मतलब खास करके वैट से पहले तो बहुत सारी कैटेगरीज थी जो सेल की थी, सेल टैक्स लगता था हर चीज के ऊपर। वैट ने उस कैटेगरीज को, स्लैब्स को कम कर दिया, और वैट का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है दैट इज वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन। तो चीजें सस्ती भी हुई हैं। अब आप देखिए हिंदुस्तान का आजादी के बाद, एक चीज और आपको बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है वो टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। सी व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेशंस, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आज तक, मतलब यूनियन लेवल के ऊपर, मैं यहां पे एक चार्ट बना रहा हूं दोबारा से, फिर छोटा सा चार्ट है, ठीक है ना, यूनियन लेवल के ऊपर और स्टेट लेवल के ऊपर, दोनों लेवल के ऊपर टैक्सेस में रिफॉर्म आए हैं। यूनियन ने एक्साइज के टैक्स को बेसिकली बहुत बढ़िया कर दिया है, ठीक है, और स्टेट्स ने सेल टैक्स को बहुत बढ़िया कर दिया है। अब ये दोनों टैक्स रिफॉर्म्स आने की वजह से, ठीक है ना, दोनों टैक्स रिफॉर्म जो हम लेके आए हैं उसकी वजह से जो टैक्स की कलेक्शन थी ना वो बहुत काफी बढ़ गई। टैक्स कलेक्शन हैड इंक्रीज्ड अलॉट। अब सबसे बड़ा जो टैक्सेशन का रिफॉर्म आज की डेट में आया है दैट इज जीएसटी, वो इनका भी बाप है, वो इनका भी बाप है, वो हम समझेंगे क्या चीज है जीएसटी टैक्सेशन रिफॉर्म क्या है। टैक्स कलेक्शन अब आप ये देख लीजिए हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। अगर आप जीएसटी को पढ़ेंगे हर महीने आपको पता लगेगा कि दैट जो टैक्स कलेक्शन है इट इज टचिंग ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है ना। जो टैक्स का बेस है वो बेसिकली सरकार का बढ़ता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन बेसिकली हो रही है। टैक्स सिंप्लीफाई भी हो गया है, सिंपल हो गया है, एंड मतलब ये टैक्स रिफॉर्म से चीजों के रेट भी सस्ते हुए हैं। इट इज एक्चुअली कॉस्टिंग लेस, इट इज कॉस्टिंग लेस, कलेक्शन बढ़ गई है, सिंपल हो गया है, चीजें सस्ती हो गई हैं। तो ये तीन बहुत बड़ी चीजें हैं जो वैट की वजह से आई हैं। तो वैट कौन सा टैक्स का रिफॉर्म है आप सब लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वैट का जो रिफॉर्म आया है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स कहां पे आया है, ये स्टेट पे आया है कि यूनियन के ऊपर आया है, और कौन से साल में आया ये भी बता दीजिए। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट। सो इट इज अ विच रिफॉर्म, इट इज अ सेल टैक्स रिफॉर्म, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अ वैल्यू एडेड टैक्स इज अ कंजम्पशन टैक्स placed on a product whenever value is added at each stage of the supply chain from production to the point of sale. 2005 में आया है सेल्स टैक्स का रिफॉर्म, तो हर स्टेट ने ये बेसिकली इंट्रोड्यूस करा। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, किसी को भी क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज बता दीजिए। इस लेक्चर सीरीज का एक और हम पार्ट लेके आएंगे। एक और चीज आपको बता देना चाहता हूं यार, ये तीन लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को बेसिकली बहुत बढ़िया कर दिया है। एक तो मतलब श्री एल के झा है, ये झा कमेटी आई थी, इनकी रिकमेंडेशन की वजह से हमारे पास मॉड वैट आया है, ठीक है ना। फिर श्री राजा चलिया कमेटी थी, इनकी रिकमेंडेशन से हमने कौन सा टैक्स लगाया है, सर्विस टैक्स। हिंदुस्तान में सर्विस टैक्स लगाया गया, ठीक है ना, पहली बार 1994 में हमने पहली बार सर्विस टैक्स लगाया है, एंड उसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मनमोहन सिंह जी ने यही बताया था कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से आज की डेट में अगर आप सर्विस सेक्टर में देखेंगे जो टैक्स कलेक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है। हर चीज़ आज की डेट में सर्विस में आ गई है। आप बाल कटाने जाइए वो सर्विस में आ गया, आप किसी से पढ़ने जाइए वो सर्विस में आ गया है, अगर आप किसी वकील के पास जा रहे हैं वो भी सर्विस में आ गया है, होटल में जा रहे हैं वो भी सर्विस में आ गया है, तो मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं वहाँ पे भी सर्विस चार्ज लेते हैं, फोटोस्टेट करवाने जाते हैं वहाँ पे भी सर्विस चार्ज है, हर जगह पे सर्विस टैक्स बेसिकली बढ़ गया है। और ये तीन लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान में टैक्सेशन रिफॉर्म्स बेसिकली बहुत बड़े आए हैं।
ठीक है ना, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स. हम इसके बाद में डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या रिफॉर्म्स आए वो भी बेसिकली देखेंगे हम, ठीक है ना. मतलब बेनिफिट्स इसके क्या है, एक तो कलेक्शन बढ़ गया है, टैक्स की पॉलिसी को बेटर करता है, सरकार को कमाई ज्यादा हो जाती है, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाता है, और ये वैट का प्रिंसिपल बेसिकली ग्लोबली एक्सेप्टेड है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो जिस देश के साथ अगर हम ट्रेड करेंगे किसी भी देश के साथ, तो अगर वो भी वैट को फॉलो कर रहा है तो हमारे उसके साथ ऑटोमेटिकली संबंध बेसिकली अच्छे हो जाते हैं. तो 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी, वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में. जीएसटी क्या चीज थी, ठीक है ना. एक अगला स्टेप वैट से नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप मॉड वैट टैक्सेस में रिफॉर्म करने का, फिर सैन वैट, सैन वैट के बाद में वैट, उसके बाद में जीएसटी. ये सारे मतलब स्टेजेस में आया है. प्लीज प्रोवाइड पीपीटी इन द टेलीग्राम. हाँ, टेलीग्राम में मैं आपको पीपीटी ये प्रोवाइड करा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ, इस क्लास को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए. और इस क्लास में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड जरूर यूज कर लीजिए, एंड डू यूज माई कोड. एंड मैं आपको ये बता देता हूँ मेरे अपकमिंग कोर्सेज कौन कौन से हैं अनअकैडमी पे. एक तो मेरा इंडियन पॉलिटी का कोर्स आ रहा है, क्रैश कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी 2 जून को, ठीक है. एंड मेरा कोर्स एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आ रहा है, 20 मई को आ रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. और एक नेक्स्ट बैच अनअकैडमी पे स्टार्ट हो रहा है 5 मई को, एंड यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. अगर किसी की कोई फाइनेंशियल इशू है और वो लोन लेना चाहता है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोन भी ले सकते हैं. 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट रेट है, और बहुत जल्दी जल्दी अप्रूवल हो जाएगा आपका लोन. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड हमारा जो करंट अफेयर का मैगजीन है जिसका नाम है मसूरी टाइम्स, ये कल आपको अवेलेबल हो जाएगा. इसका ऑलरेडी एक एडिशन आ चुका है. टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए. सो टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएगा. एंड अनदर थिंग इज यू कैन यूज दिस कोड, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. सो दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट. बाय बाय, टेक केयर.